यातायात माह का शुभारंभ एडीजी जोन अखिल कुमार ने पुलिस लाइन से यातायात पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा ट्रैफिक पुलिस ने हाथों में जागरूकता के लिए बाइक से पुलिस लाइन से निकलकर काली मंदिर, गोलघर, कचहरी चौक, शास्त्री चौराहे से वापस पुलिस लाइन में समाप्त हुआ। इस संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस नवम्बर माह में यातायात माह मनाती है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस इस यातायात माह में अधिक से अधिक स्कूलों में जाकर यातायात के बारे में बच्चों को बताए और आम जनता को यातायात नियमों के बारे में बताए तथा जागरूक करें। रोड पर बाएं लेन की तरफ बैरियर इस माह में लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ बस और टैक्सी स्टैंड को प्राथमिकता पार्किंग स्थलों का शहर से बाहर चिन्हित करके एवं वेंडरों को वेंडिंग जोन में व्यवस्थापित कराना होगा। इस अवसर पर SSP गौरव ग्रोवर, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, नगर निगम प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह, CO कैंट श्याम देवबिंद एवं यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रैफिक माह के रूप में मनाती है और इस वर्ष आज हम लोग खड़े हैं, आज 1 नवंबर है और ट्रैफिक माह का प्रारंभ हो रहा है, उसके शुभारंभ पर हम यहाँ उपस्थित हैं। हमें कोशिश करना है ट्रैफिक को जो इम्प्रूवमेंट है शहर गोरखपुर में और देहात क्षेत्र दोनों जगह, यहाँ हम क्या कमियाँ रह गई। आपने देखा काफ़ी सुधार हुई है ट्रैफिक में। एक समय था, मुझे याद है 1-1.5 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो हर एक सोमवारी जाम के नाम से खबर छपती थी। आज सोमवारी जाम गायब हो गया है शहर से। ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है, ITMS को जाता है और पूरी गोरखपुर पुलिस की टीम को जाता है। जो भी यहाँ पे टीम लगी है, आपको हम लोगों ने जोन लेवल से भी करीब 150 अन्य लोग स्पेशल ड्यूटी रिजर्व करके भी दिया है जो ट्रैफिक में आपको असिस्ट करते हैं। अब हम लोगों को ट्रैफिक में आप जो ये महीना है ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। एजुकेशन में आप नागरिकों को एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें, स्कूलों में एजुकेट करें, ये ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैफिक में। हम लोग को सेल्फ डिसिप्लिन लाना है और ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाना पड़ेगा। दूसरा, एजुकेशन के साथ जो इंपॉर्टेंट रोल पुलिस का हो जाता है वो इन्फोर्समेंट का होता है। इन्फोर्समेंट के करते वक्त आपको संयम की व्यवहार रखना। SP ट्रैफिक साहब के लिए विशेष रूप से दो विषय में SSP साहब दोनों हैं, मैं अनुरोध करूँगा। एक तो शहर में जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है जिला प्रशासन के साथ कि जो पार्किंग स्थान है बसेस की और टैक्सीज को शहर के थोड़े बाहर ले जाने के लिए अभी वो जगह स्थापित नहीं हुई है, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इस माह में कई जगह वेंडिंग जोन्स बन गए हैं लेकिन वेंडिंग जोन्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो CP सिंह कर्नल साहब, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस और सिटी पुलिस मिलकर ये दो काम मेजर काम है जो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रयास के बाद इसमें अभी हमें सफलता नहीं मिली है। इस माह हम उसको टारगेट करें कि सफल बनाए। ट्रैफिक में जो बुलेवार्ड्स लगने हैं डायरेक्शन के लिए नगर निगम के सहयोग से, वो लगाने की कोशिश की जाए चौराहों पर। और ये थोड़े बड़े मुद्दे रहेंगे और बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल मुद्दे होते हैं वो हम लोग करते रहें। आप लोग पूरे मनोयोग से लगिए, एक अच्छी साफ स्वस्थ छवि के साथ आप ट्रैफिक सप्ताह मनाएं।
देखिए, नवंबर माह में परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से यातायात माह मनाती रही है। आज भी हम लोग उसी यातायात माह का औपचारिक शुरुआत किया है। यातायात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हाल के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें काफ़ी विशेष प्रयास करने के लिए कहा है। उस क्रम में गोरखपुर पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो SSP साहब हैं, SP ट्रैफिक हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम और इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमें ज़रूरी है कि उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। और इस माह में हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस करें। हम लोग एजुकेशन में स्कूल्स में जाकर लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि बच्चे एजुकेट होंगे तो जनरेशन एजुकेट होगा। तो एजुकेशन पर फोकस करेंगे हम लोग। इन्फोर्समेंट पर फोकस होगा। इन्फोर्समेंट में अच्छी बात है कि जब से हमारे पास ITMS और CCTV कैमरा आया है और साथ साथ अब हम त्रिनेत्र में भी कई जगह कैमरे लग गए हैं, तो ट्रैफिक में डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बेटर हो गया है। ट्रैफिक चौराहों पे लेफ्ट टर्न के लिए कुछ हम लोगों ने जो हमारे बैरियर्स होते हैं वो हम लोगों ने मांगे हैं, वो लगाने के हम लोग कोशिश करेंगे इस माह में। साथ ही साथ दो प्रमुख मुद्दे हैं गोरखपुर में। एक तो है कि जो टैक्सी और बस स्टैंड्स हैं उसको रेगुलराइज करके स्थान चिन्हित करने के लिए हम लोग ने जिला प्रशासन को लिखा है। उस पर हम लोग प्रयास करके जिला प्रशासन के साथ इस माह में उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ वेंडिंग जोन्स हैं जो बनाए हैं नगर निगम ने, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हो पाया। वो इन्फोर्स करने की आवश्यकता है, जिसमें नगर निगम, स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सबको एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम कर लें तो मुझे उम्मीद है कि हम एक माह में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्थिति में होंगी। अच्छी बात यह है कि ADG ट्रैफिक जो पूरे उत्तर प्रदेश का नोडल ऑफिसर हैं और एक उनके पास लार्जर पिक्चर है, वो भी कल आ रही हैं और वो भी रिव्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है उनके भ्रमण से भी हमें इस अभियान में एक नई दिशा और नई स्फूर्ति मिलेगी। थैंक यू।